गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाऊं मैं गाऊं मैं सुबह शाम, तुलक सागर एक नाम एक नाम। कर्मों के नाश से ज्ञान की प्राप्ति होती, तो यहाँ बैठकर हम नवग्रहों को अर्घ नहीं चढ़ा रहे हैं। जैन दर्शन में नवग्रहों की पूजा नहीं होती। नवग्रहों से अधिष्ठित तीर्थंकरों की पूजन होती है। कोई भी विधान कर लें, कोई भी आयोजन कर लें जैन दर्शन में, चाहे पंचकल्याणक हो, चाहे छोटा विधान हो या बड़ा विधान हो, पूजन हो, प्रतिदिन की पूजन हो या आठ दिन की पूजन हो या चौमासे में चार महीने की पूजन हो, कोई भी विधान पूजन कर लो, अर्घ तो तीर्थंकर को ही चढ़ा करते हैं और किसी को नहीं। तीर्थंकर के अलावा जैन दर्शन में किसी को पूज्य नहीं माना गया है। तो नवग्रहों की शांति के लिए हम भगवान की पूजा करते हैं, तीर्थंकरों की। तो पहला पद्म प्रभु भगवान जो शूर गए अरिष्ट निवारक के देवता हैं। ऐसा कैसे हो जाता है कि भगवान की पूजा करने से ग्रह शांत कैसे हो जाते हैं, ग्रहों की शांति कैसे हो जाती है? जैसे कोई बालक ज़्यादा शोर मचाता है, धमाल करता है, घर में उपद्रव करता है, तो मालूम है अपन कह देते हैं किसी बड़े का नाम कि पापा आ रहे हैं, तो बच्चे ऊधम करने वाले कैसे हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं उनका नाम लेने से। दादाजी से डरते हो तो उनका नाम ले दो, वो आ रहे हैं, ऐसा करो नहीं तो टीचर को बताएंगे। उस भय से बच्चे जैसे शांत हो जाते हैं, वैसे ही कोई ग्रह यदि हमें परेशान कर रहा है तो उनसे अधिष्ठित भगवान का नाम लो तो वह ग्रह भी शांत हो जाता है अपना। तो नवग्रहों की शांति के लिए तीर्थंकर भगवान की आराधना है। हम यहाँ बैठकर सातिशय पुण्य का अर्जन कर रहे हैं, क्योंकि जब जब व्यक्ति पर कोई कष्ट पड़ता है तो वह भगवान के पास जाता है। जब सब असहाय हो जाते हैं तो भगवान हमारे सहायक बनते हैं, हमें शांति देते हैं। दुख में भगवान का नाम क्यों लिया? क्योंकि दुख में हमारे परिणाम खराब होते हैं, कषाय जन्य परिणाम होते हैं, आर्त रौद्र परिणाम होते हैं, हमारा मन दुखी रहता है, निराश रहता है, कुंठित रहता है। तो भगवान का नाम लेने से एक शक्ति की प्राप्ति होती है, एक साहस मिलता है, एक मार्गदर्शन मिलता है और हमारे जीवन को उस दुख को झेलने की शक्ति मिलती है। भगवान दुख दूर नहीं करते हैं, लेकिन उनके नाम से हमें उस दुख को सहने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। कोई भी समय एक सा नहीं होता, आज अच्छा है कल बुरा होगा। नदी कभी एक सी धार में नहीं बहा करती है, कभी कभी नदी बिल्कुल शांत बहती है, कभी कभी स्रोत से फूट पड़ती है, कभी कभी पत्थरों से टकराती है, कभी कभी तूफानों से घिरती है। तो नदी का जीवन ऐसा ही सागर तक चलते रहता है। वैसे ही मनुष्य का जीवन है, वो रेल की पटरी की तरह सीधा सीधा नहीं भागता है, वह गंगा की धार की तरह होता है जिसमें उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं। जीवन है, अपने को जब दुख पड़ता है तो ऐसा लगता है कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों करता है, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। हमें लगता है कि दुनिया में हम ही सबसे बड़े दुखी हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। दूसरों के दुख देखो तो अपना दुख कुछ भी नहीं है।
लेकिन जब दुख अपने को आ पड़ता है तो लगता है कि सब हमारे ही साथ हो रहा है, हमारे ही साथ गलत क्यों हो रहा है। ध्यान रखो, संसार में कोई भी सुखी नहीं है। तुम किसी अपरिचित से परिचय कर लो और ज्यादा नहीं एक घंटे बैठ लो, उसके पास बातचीत कर लो, तो वो परिचय होते 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 धीरे धीरे वो अपने दुखड़े रोने लगेगा कि हमारे यहाँ भी ऐसा ही है, क्या करें, अब तुम तो सब समझते ही हो, व्यापार भी मंदा चल रहा है और ये है तो सुनने का नाम नहीं लेते हैं, हमारी माँ ऐसी और ये ऐसा और वो वैसा, अब क्या करें। तो बैठे बैठे आदमी किस में आ जाता है, दुख में आ जाता है। ऐसा कोई घर, ऐसा कोई परिवार, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं होता है। सबके जीवन में होता है। यहां जितने लोग बैठे हैं, कोई दुख है या नहीं तुम लोग को, बोलो, है ना कि नहीं है? दुख तो है, कोई ना कोई है, सबके अलग अलग होंगे, लेकिन सर्व सुखी कोई है क्या? नहीं। किसी के दुख बाहर दिखते हैं, किसी के दुख भीतर रहते हैं, कोई बोल देता है, कोई नहीं बोल पाता है, कोई झेल लेता है, कोई नहीं झेल पाता है, है? कोई किसी को बता के हल्का होता है, कोई भीतर ही भीतर रखता है दवा करके। दुखी तो इस संसार में सभी हैं। ध्यान रखना, जब सबके दुख की चिंता करो तो अपना दुख कम हो जाता है, होता है कि नहीं? नहीं होता है? कि चलो हम ही अकेले नहीं है, वो भी तो दुखी है, चलता है ना। यदि संसार में ऐसा होता कि केवल हम ही दुखी और कोई नहीं, तो फिर आदमी दुख को सहन नहीं कर पाता, मर जाता घबरा करके। लेकिन कभी कभी क्या लगता, चलो पड़ोसी का भी तो यही हाल है, तो थोड़ी सी अपने को हिम्मत मिलती है कि हम ही एक अकेले नहीं है, दुनिया में हमारे जैसे हजारों पड़े हुए हैं। आदमी को दूसरों से कभी कभी ऐसा होता है कि अपने दुख से ज्यादा दुख किसी का मिल जाए तो अपना दुख हल्का हो जाता है। हमें दूसरों में बहुत इंटरेस्ट है, उसका क्या हो रहा, उसका क्या नहीं हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा, उसके जीवन में क्या नहीं हो रहा है। यदि किसी को घाटा लग गया तो ऊपर से तो दिखाएंगे बहुत बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ, और मन ही मन क्या चलता है, अब आया मजा, अब आएगा, अकल ठिकाने लगेगी, बहुत उड़ रहे थे हवाओं में, सीधे मुंह बात नहीं करते थे, अब पता पड़, बाहर से अरे अरे बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसे ही आदमी का जीवन है। कब अपने पराए हो जाएं और पराए कब अपने बन जाएं। एक बात याद रखना, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से टूट रहा है और यदि तुमने किसी से सलाह ले ली, तो 99% ऐसे मिलेंगे जो उस टूटन को और बढ़ाएंगे, मिटाने वाले कोई नहीं मिलेंगे। 1-2% कभी मिल जाए किस्मत से कि भाई अच्छी बात नहीं है, ये सब होते रहता है, टूटो मत आपस में, लेकिन नहीं, वो तो तैयारी बैठे कि हाँ तुम टूटे कि हम तो बिल्कुल कुल्हाड़ी लिए बैठे हैं कि एक दिया तो और दो टुकड़े हो जाए। किसी से रिश्ते टूट रहे, अकेला कब पड़ता है आदमी, अकेला कब पड़ जाता है मालूम है? जब वह अपनों से टूटने की सलाह गैरों से लेता है। किससे लेता है? पड़ोसी से, यार हमारे वो रिश्तेदार ऐसे हैं, अब तो ऐसा लगता है उनसे रिश्ते ही मत निभा, उनके पास जाने ही नहीं चाहिए, मिलने ही नहीं चाहिए, तो वो और तैयार बैठा है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, तुम क्यों निभा रहे हो। ध्यान रखना, वो कोई तुम्हें सांत्वना देने को नहीं बैठा है। टूटे हुए रिश्तों को और तोड़ते हैं लोग, अलग अलग करना चाहते हैं लोग। ध्यान रखना, ये दुनिया है, इस दुनिया में आदमी को दूसरे की तबाही पे बहुत मजा आता है, दूसरे की बर्बादी पे बहुत मजा आता है, दूसरे का सत्यानाश हो तो ऐसा लगता है कि मजा आ गया, अब हम राजा बन गए, वो फकीर बन गया। ये जो भावनाएं हैं ना,
ये मनुष्य के पतन के दुख के कारण है। दूसरों में ज्यादा ध्यान मत दो। एक बार क्या हुआ कि यमराज आ गए, दुनिया में आ ही जाते हैं, दिखाई नहीं देते, होते नहीं है कोई यमराज मेमराज, लेकिन कहानी तो कहानी है। अपन जब निपट गए तभी यमराज आ गए और क्या, समझे। तो यमराज आए एक सेठ की दुकान पे, तो सेठ के तो पसीने छूट गए कि यार इसका मतलब है कि आज अपना नंबर आ गए, अब चलो यमराज खड़े हैं सामने। यमराज का नहीं नहीं नहीं, तुम घबराओ मत, से टेंशन मत लो, हम तुमको लेने नहीं आए हैं, हमको तो प्यास लगी थी तो पानी पी लिया, हम जा रहे हैं। बोले नहीं यमराज, देखो सही बताओ। बोले बिल्कुल सही, नहीं नहीं ले जाएंगे तुमको। लेकिन यमराज ने कहा कि एक बात याद रख कि घबरा मत, एक दिन हम आएंगे जरूर, नहीं आएंगे ऐसा भी नहीं है, और आज ही ले जाए। अभी तू ऐस कर ले, थोड़ा जो करना है कर ले। कहते हैं दो चार पांच साल बीते, यमराज आ गए। उसने कहा यार कि तो ये दोस्त है, ऐसे ही आ गया होगा बात करने। यमराज ने कहा भैया अब तो क्या, खुद आरजू खुदा से करो बंदे से नहीं, और दोस्ती हमसे करो धंधे से, अब तो अपने चलने का समय आ गया। तो यमराज से उस आदमी ने कहा यार कुछ तो मोहलत दो। तो यमराज ने कहा एक काम कर, मैं तुझे 5 मिनट का समय देता हूं। और एक डायरी दे दी यमराज ने उसको, एक पेन दे दिया, 5 मिनट में तुझे जो लिखना हो डायरी में लिख ले, 5 मिनट का समय है बस, उसके बाद तेरा टाइम हो जाएगा। बोले ठीक है यमराज, चलो इतनी मोहलत तो दे दी कि 5 मिनट में मैं कुछ तो अपने अरमान लिख लूंगा, मेरी भावना क्या है, मेरी इच्छा क्या। यमराज का जल्दी कर, ज्यादा बात मत कर, टाइम हो रहा है, यहां विधान भी होना है ना, तो जल्दी बता क्या करना है। तो बोले दो डायरी दो। जैसे ही डायरी का पहला पेज खोला तो उसमें लिखा था पड़ोसी की तरक्की होने वाली है। क्या लिखा था? पड़ोसी की। तब तुझे जो लिखना लिख फटाफट। उसने कहा यमराज निवेदन है तरक्की रुक जाए। अच्छा, पहली लाइन लिख दी। अगला पेज पलटा, बोले तेरा जो दोस्त है वो मंत्री बनने वाला है। उसने लिख दिया यमराज प्लीज चुनाव हार जाए। अब देखो मर रहा है और वो लिख रहा अपनी जिंदगी के बारे में। अच्छा, बोले कि चल। तीसरा पेज खोला, पड़ोसी के यहाँ 80 लाख की मर्सिडीज आने वाली है, यमराज प्लीज एक्सीडेंट हो जाए। अरे 3 पेज हो गए। यमराज ने कहा भाई जल्दी भर, क्या लिख रहा है? बोले चिंता मत करो, जो मैं लिखूंगा वो होगा कि नहीं। बोले होगा, पक्का होगा। बोले अच्छा। बोले यमराज ने कहा कि देख तेरे रिश्तेदार के यहाँ लड़की की शादी होने वाली है, कैंसिल हो जाए, किसी भी तरह से उसकी शादी नहीं होना चाहिए। अब और कुछ लिखना बाकी है क्या? बोले यमराज कितने मिनट बचे? बोले 1 मिनट बचा, जो लिखना है लिख दे। तो यमराज अगला पेज उसने लास्ट वाला पलटा, सेकेंड लास्ट पेज, उसमें कहा कि देख भाई पड़ोसी की लॉटरी खुलने वाली है और करोड़ों रुपए उसे मिलने वाला। अरे यमराज प्लीज मैं मर रहा हूं, ये का सुना रहे हो तुम? ऐसा करो उसका सत्यानाश हो जाए। अब यमराज ने कहा ला डायरी इधर ला, इधर ला। अरे बोले मेरा तो लिखा ही नहीं। बोले मैंने तुझे 5 मिनट दिए थे, अब मेरे पास वक्त नहीं है। कितने मिनट दिए थे? 5 मिनट। अरे बोले प्लीज 1 सेकंड। बोले बिल्कुल नहीं। छीन ली डायरी, बोले चल खेल खत्म। अब बताइए यमराज ने डायरी पलटी, बोले मूरख 5 मिनट तूने दूसरे में लगा दिए और अपना तो तुझे कुछ ख्याल है ही नहीं कि तूने अपने लिए क्या मांगा, क्या सोचा, सत्यानाश बर्बादी, शादी रुक जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ये विचार कर रहा है। अब सोच पागल, 5 मिनट का समय है, वो भी तूने दूसरे में डाल दिया, अब तेरी जिंदगी खतरे में पड़ गई। मरते समय तो अच्छे विचार बनाता,
स्वर्ग जाता कल्याण होता। यमराज ने पकड़ी उसकी गर्दन और लेकर के नरकों में पटक दिया। मरते समय भी आदमी के शुभ भाव नहीं है, वो सत्यानाशी बर्बादी ही मानता है, मांगता है। विचार करिए आप, ये कोई जोक नहीं है, ये हंसने की कहानी नहीं है। क्या भरोसा अपने पास ही 5 मिनट बचे हो, कोई भरोसा है क्या? फिर कितना भी रो, कितना भी गिड़गिड़ाओ, कितना भी आंसू बहाओ, प्लीज यमराज एक सेकेंड, एक मिनट यमराज देने वाला। अब सोचो कि सुबह से शाम में पूरे जीवन की डायरी में हम कितना अच्छा लिखते हैं। क्या लिखते हो? भगवान प्रकट हो जाए, वरदान मांगे, तो तुम अपने लिए सुख नहीं, पड़ोसी के लिए दुख मांग लोगे कि उसका सत्यानाश हो जाए, उसकी बर्बादी हो जाए। अपने लिए तो आदमी के पास टाइम ही नहीं है, ध्यान रखना। तो ये जो पूजा है, ये पाठ है, ये बिठान है, ये जो भी चल रहा है ना, ये डायरी में अपने लिए लिखने के लिए चल रहा है, दूसरों के लिए नहीं चल रहा। तो अपना ऐसा पुण्य अर्जित करो कि उसका फल केवल अपने को ही। अब सुबह से शाम बताओ, तुम लोग अपने बारे में सोचते हो या दूसरे के बारे में? सुबह से शाम बताओ, हमको आना तो था विधान में लेकिन वो नहीं आए। अरे उससे क्या लेना देना, तुमको नहीं आया नहीं आया, तुम आओ अपना पूजा करो, पुण्य कमा। उसने फोन ही नहीं किया, उसने हमें बुलाया ही नहीं है, गाड़ी नहीं मिली। अरे तुम अपना काम करो, 5 मिनट के लिए डायरी मिली है जिंदगी की, कितने मिनट के लिए, क्या लिख रहा है उसमें दुनिया भर का। अब भी चला चली का मेला हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। विचार करो, यहां बैठ के भी, पूजा में बैठ के भी किसका ध्यान कर रहे हो? दूसरे का, पड़ोसी का। आज ही पार्सल आया, बिकेगा या नहीं बिकेगा, कस्टमर आएंगे या नहीं आएंगे। अरे 5 मिनट की डायरी बची है, समय कहां है अपने पास? ये मेरा वो मेरा, ये उसका वो उसका, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ध्यान रखना, मनुष्य भव मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, भगवान के चरणों में बैठकर अपनी प्रार्थना करो कि हे भगवान मुझे सद्बुद्धि दो, मुझे ज्ञान प्रदान करो। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा प्रतिभा मामी भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।